गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। जैसे कि मैंने कल रात के वीडियो में बोला था, आज हम लोग जिम थोड़ा अर्लियर देन यूजुअल जा रहे हैं बिकॉज इट्स गोना बी अ बिजी डे एंड ऑल्सो मैं और साकेत साथ में ट्रेन करेंगे तो उसको थोड़ा जल्दी जाना, तो मैं भी थोड़ा जल्दी जाऊँगा। एंड या प्री पी लिया अभी फटाफट जिम जाएंगे। इट्स आर्म्स, सो होपफुली 45 to 50 minutes में मेरा आर्म वर्कआउट खत्म हो ही जाता है बिकॉज ज़्यादा कुछ होता नहीं है यार करने के लिए, मैं सिर्फ 4 मूवमेंट करता हूँ। तो या दैट्स प्रीटी मच द गेम प्लान। घर आके पूरा दिन पढ़ाई करेंगे एंड आज क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा बिकॉज हम लोग जिम जल्दी जा रहे हैं, इसलिए होपफुली वी ट्राई टू स्क्वीज इन अ लिटिल सिंगिंग सेशन रात को। तो लेट्स गो, सी यू एट द जिम। आज इतना क्रेजी कोइंसिडेंस हुआ है ना, तो जिम तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक ऐसा पीछे से आता है और एक ऐसा आगे से आता है, और दोनों रास्ते एक जगह पर मीट होते हैं। तो मैं ऐसा गया एंड मैं वो टर्न ले रहा था जहाँ पर दोनों रास्ते मीट होते हैं और सामने से ये दोनों हैं एकदम सेम टाइम पे। मतलब थोड़ा थोड़ा क्रेजी हो गया है ऑनेस्टली, वैसे लेजिट सेम टर्न पे सेम टाइम पे दोनों मिले। ओह माय गुडनेस, रिकॉर्ड नहीं हुआ? रिकॉर्ड हुआ है भाई। हेलो, एक्सक्यूज मी, यो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साला साला। आ तीन सेट पुश डाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज हमने थोड़ा सा अलग चीज किया बेसिकली। पिछले 2-3 आर्म डे से आई वाज स्ट्रिक्टली फॉर्मिंग ऑल माय मूवमेंट्स 12-15 की रेफरेंस में, बट उससे थोड़ा बोर होने लग गया था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है कि 12-15 की रेफरेंस में ट्रेन किया तो जॉइंट्स पूरे टाइम सेफ रहते हैं, 6-10 में किया तो जॉइंट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड आने लगता है एंड मेरे जॉइंट्स एकदम बुढ़े आदमी के जैसे हैं, सो आई कांट अफोर्ड डूइंग दैट एवरी डे। सो व्हाट आई डिड टुडे वाज पुश डाउन्स के लिए पहला सेट मैंने एकदम हैवी डाला था, उसमें मतलब फॉर्म एकदम स्लो था, एकदम कंट्रोल था, जिस वजह से स्टिल टारगेटेड मसल ग्रुप पे काफ़ी अच्छा स्टिमुलस आया। एंड बाकी के जो 3 सेट थे वो हल्के वेट में 12-15 वाली रेफरेंस में बढ़िया से एकदम प्यारे रेप्स निकाले। सो या एक सेट बचा है वो जाके करता हूँ एंड मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ पे, देन अबाउट इंटरप्ट जैसा कि आप लोग ने देख लिया होगा, बट बहुत फनी था, उनको पता नहीं था कि ट्राईपॉड है, सो इट्स चिल। एनीवेज, बेसिक प्लान ऑफ एक्शन सेम, 8 सेट ट्राइसेप, 6 सेट बाइसेप, तो 4 पुशडाउन, 4 ओवरहेड एंड 3 प्रीचर कर्ल, 2 हैमर कर्ल, 1 केबल कर्ल। लेट्स गो। सेट डाउन ऑन पुश डाउन्स, अभी प्रीचर कल का समय है, 3 सेट करूँगा यहाँ पे। पहला सेट लिटिल हैवियर, इतना फिर भी रेफरेंजेस 8-10 आवर्स है, लास्ट टाइम मेरे को 60 kg के साथ 8 रेप आए थे, टुडे आई एम गोना पुश फॉर 9, कैसे भी करके आना ही चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं लिफ्टिंग छोड़ दूंगा, नॉट रियली, बट एनी वेज फर्स्ट सेट विथ 60, देन उसके बाद मैं 46 पर ड्रॉप करूँगा, ट्राई टू गेट सम नाइस 12-15 की रेफरेंज में, देन उसके बाद एक और सेट वही थोड़ा हायर रेफरेंज में, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो 10-12 या 12-15 की रेफरेंस में ट्रेन करके, स्पेशली फॉर आर्म्स, बिकॉज फील मोर ऑफ माय मसल गेटिंग स्टिमुलेटेड रादर मेरे जॉइंट्स, तो एकदम हेल्दी लग रहा हूँ मतलब आई ऑनेस्टली। तो या अभी वो करूँगा 3 सेट यहाँ पे, देन वील गो टू सम नाइस कल क्रशर्स, आज 4 सेट कल क्रश भी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। एंड या यहाँ पे मैं 2 सेट रिकॉर्ड करूँगा, पहला अपना हैवीएस्ट वाला एंड अपना सेकेंड लाइटेस्ट वाला। लेट्स गो।
भूल गया कितने रेप्स किए, या तो 7 या 8 थे। देखता हूँ, फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करूँगा, नोट डाउन करूँगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई टू पुश 1 हार्डर, लेट्स गो। ये वाला सेट थोड़ा लाइटर, इन हायर रेप रेंज, मस्त बढ़िया, फील द मसल, लेट्स गो। Full stretch. लग रहा है भाई से फट जाएगा। Back with the sus angle. वन लास्ट सेट हैमर गर्ल्स पे बचा, देन वी डन। Yeah. Cute. Dunk number 10.
प्रोटीन इंटेक बट प्रेजेंट रीजंस लाइक इट्स नॉट टू से यस और नो टू इट ऑलराइट वीएआरसी प्रीटी मच हो चुका है अभी हम लोग मतलब लर्निंग वाला हो गया था अभी मैं एक सेक्शनल टेस्ट दूंगा वीएआरसी का एंड उसी के बाद हम लोग डीआईएलआर की भी पढ़ाई करने बैठ जाएंगे सोलस को दिस इज़ द सेट इसने मेरा लास्ट मॉक कैट रूइन किया था मैं एक स्टेप अवे था पूरा सेट सॉल्व करने से एंड मैंने वहाँ पे गिव अप कर दिया आई डोंट नो व्हाई एंड देन आई मूव टू अनदर सेट जो मैंने हाफ सॉल्व किया मतलब वो भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था बट टाइम रन आउट दीज वर द टू डूएबल सेट्स एंड अभी मैंने बैठ के अराउंड 4 सेट सॉल्व कर लिए हैं डी आई एल आर के प्रोबेबली ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम ओल्ड पुराने मॉक्स जो मैंने दिए थे बट अभी आई जस्ट टुक अ स्मॉल ब्रेक थोड़ा सा खाना खाने के लिए हमने अपनी बल्किंग शेक पिया है अभी एंड आई एम गोना चिल फॉर अ बिट नाउ एडिट करूँगा वीडियो अपनी यूट्यूब की जो आपने कल देख ली होगी विच इज़ द बैक डे एंड डे इन द लाइफ वाला वीडियो सो या दैट्स व्हाट आई हैव टू डू नाउ उसके बाद बची हुई डी आई एल आर की पढ़ाई एंड फिर क्या करने वाले हैं फिर रात को तो एज यूजल क्वांट सो लेट्स गो Unemployment at its peak. 100 रुपए के वॉफल के लिए सब लोग. Look at that, bro. It's crazy. VARC हो गया, DILR भी हो गया. अभी एक लंबा सा क्वांट मैराथन करेंगे. Probably till अभी अराउंड 8 o'clock हो रहा है. मैं शाम को गया था कार्डियो करने के लिए. Unfortunately कोई क्लिप्स नहीं आ पाई. मैं भूल गया. एक छोटी क्लिप आपने देख ली होगी जब मैं उनको पिकअप करने आया था. बट उसके अलावा जिम में मैं अपनी रील एडिट कर रहा था. सो दैट वे हमने रील भी एडिट कर ली, कार्डियो भी कर लिया. अब पढ़ाई का समय आ चुका है. सो लेट्स गो डू दैट. सिंगिंग सेशन बहुत समय हो गया भाई ये करे हुए बट आज थोड़ा टाइम अच्छे से मैनेज किया सुबह एंड दिन में जिसकी वजह से अभी 15-20 मिनट है गाना गाने के लिए तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है बट फील मेक इट थ्रू लेट्स गो ये गाने का नाम है जो भी मैं फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार बाय द गोट मोहित चौहान कभी मुझे लगे के जैसे सारा ही ये जहां है जादू जो है नहीं और नहीं भी है ये फिजा घटा हवा बहारे तुझे करे इशारे ये कैसे कहूं कहानी जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे ओके मेरे को कट करना पड़ा बिकॉज दरवाजे पे कोई आ गया बीच में तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम फुल वर्जन रिकॉर्ड करूँगा इट्स मोर फन दैट वे टू बट अभी टाइम का थोड़ा क्रंच है तो होपफुली यू आर लाइक दिस मिनी सिंगिंग सेशन एनीवेज अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो